हे हैीबाडी वेलकम बैक टू माई चैनल मैं हूँ अनुच आपका फ्रेंड दोस्तों ये मेरे स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ का डे 11 है ठीक है वीडियो नंबर 11 जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ यूजफ़ कैन खैन राइट तो दोस्तों ये देखिए मैंने लिखा हुआ है इसको आपको बोलना है कैन ठीक है कैसे बोलेंगे अगर ये देख रहे हो सी तो यहाँ पे के का साउंड होता है जब भी के का साउंड आता है या के uh, लेटर होता है तो वो साउंड होता है क और ख के बीच वाला जिसको आपको कैसे बोलना है खैइन खैइन आपको पूरा ख नहीं बोल देना है खैन क और ख के बीच वाला साउंड खैन खैन राइट आइए इसका पहचान देख लेते हैं कैन सकता है सकती है ठीक है और इसका हम यू, यूज कब करते हैं इसका प्रयोग हम तब करते हैं सामर्थ्य के लिए या क्षमता का बोध कराने हेतु तो या जब क्षमता का बोध होता है ठीक है तो आइए उदाहरण से समझते हैं दोस्तों सबसे पहले आज देख लेते हैं इसका सेंटैक्स क्या होगा कैसे हमें बनाना है ठीक है सेंटैक्स का मतलब वाक्य रचना ठीक है जिसको आप सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं तो ये रहा मेरा सेंटैक्स सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट ठीक है उसके बाद खैन प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्व प्लस आर ओ एस बेस फॉर्म ऑफ वर्व का क्या मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ये आर ओ एस ठीक है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जिसमें आपका यू you नो know, uh, ऑब्जेक्ट एंड जो भी होगा आगे वो सब आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं अफो सेंटेंस की अफ मठ्यू ठीक है इसको आपको अफर नहीं बोलना ये देखिए मैंने हिंदी में लिखा हुआ है आधा अ उसके बाद फ और ये अह वाला चिन्ह है उसके बाद आधा अ उसके बाद मट्यू अफ मट ठीक है इसको आपको अफर नहीं बोलना है ठीक है आइए उदाहरण से समझते हैं मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ ये क्या आप अबिलिटी बता रहे हो ना सामर्थ्य बता रहा हूँ अपना ठीक है अबिलिटी मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ आई कैन रीड इंग्लिस आई कैन रीड इंग्लिस ठीक है मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ दूसरा वह यह काम कर सकता है यानी आप क्षमता बता रहे हैं यहाँ पे ठीक है तो क्या हो गया ही कैन डू दिस वर्क वर्क आपको इसको वर्क नहीं बोलना है दोस्तों इसको आपको बोलना है वर्क वर्क यार साइलेंट है ठीक है ही कैन ही कैन डू दिस वर्क आप चाहो तो बोल सकते हो ही कैन लेकिन इसका जो करेक्ट उच्चारण है दोस्तों आपको लगेगा कि यू नो एक्सेंट मार रहा हूँ बट ये एक्सेंट नहीं है दोस्तों जहाँ भी के आए या के का साउंड आए उसका उच्चारण स्टार्टिंग में होगा वो तो उसका उच्चारण क के बीच वाला होता है खैन आई खैन आई कैन डू दिस आई कैन डू दिस आई कैन नहीं बोलना मैं बोल रहा हूँ आई कैन डू दिस यानी कौ ख के बीच वाला साउंड बोल रहा हूँ तो यह क्या हो जाएगा ही खैन डू दिस वर्क ठीक है तुम उसे हरा सकते हो ठीक है यानी आप क्षमता एंड सामर्थ्य तो दोनों की बात चल रही है यहाँ पे तुम उसे हरा सकते हो तो अबिलिटी से या आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप उसको हरा सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा यू कैन डिफीट हिम देख रहे हैं सब्जेक्ट उसके बाद कैन उसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आर एस देख रहे हैं सब में वही सेंटेक्स आप यही देख के आपको सेंटेंस बनाना है ठीक है क्या बनाएंगे आप यू कैन डिफीट हिम और राइट अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की इसको आपको नेगेटिव नहीं बोलना है दोस्तों इसको आपको बोलना है मैंने लिखा है देखिए हिंदी में न उसके बाद ग उसके बाद आधा उसके बाद टीव नेगेटिव 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 राइट सिंटेक्स क्या है बहुत ही इजी है सबसे पहले ये देखिए सिंटेक्स मतलब वाक्य रचना कब सब्जेक्ट रखना है कब वर्ब रखना है कब हेल्पिंग वर्ब कब मॉडल वर्ब ठीक है ये होता है सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद बोलना है खांट खांठ ठीक है ख के बीच वाला इसको कैंट नहीं बोलना है ये अमेरिकन बोलते हैं कैंट ठीक है नकारात्मक इसको बोलना है कांट उसके बाद नाट इसको नॉट नहीं इसको बोलना है नाट नाट उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म ऑफ वर्ब उसके बाद आर एस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस उदाहरण से समझते हैं वह यह नहीं कर सकता है क्या बोलेंगे ही कांट डू दिस ही कांट डू दिस ही कांट डू दिस खांट नहीं बोल रहा हूं मैं ख के बीच वाला साउंड खांत डू दिस 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 यहाँ पर ये देख रहे हो ये यू you नो know, डेल्टा वाला द है क्योंकि द भी अंग्रेजी में नहीं होता है जिसको तो हमें दोनों दाँतों के बीच में ये टी एच बोलना पड़ता है ये वाला दिस दिस दोनों दांतों के बीच में आपकी टंग रहेगी जीब तब ये साउंड निकलता है दिस दिस ये सब चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में बताया स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले वीडियोज़ में और राइट अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण की वह अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता है क्या हो जाएगा ये देखिए मैंने लिखा हुआ है ही कांट रीड इंग्लिश ही कांट रीड इंग्लिश इसको आपको इंग्लिश नहीं बोलना है दोस्तों इसको आपको बोलना इंग्लिश ठीक है ल पे छोटी की मात्रा है और ल के पहले आधा ग है इंग्लिश राइट ये एस एच का जो है वो होता है श श श शलीफा वाला ठीक है ही कांट रीड इंग्लिश ठीक है सो so, ये देख सकते हैं ऐसे आप यू नो इंट्रागटिव बना सकते हो सबसे पहले ये कैन इधर आ जाएगा ठीक है तो आप बोल सकते हो कैन आई डू दिस कैन आई गव देयर कैन आई कैन आई स्पीक टू मिस्टर यू नो इट इज सी एंड एसट्रो ठीक है तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो कैन की मदद से आप कैन का यूज़ यू नो परमिशन लेने के लिए भी कर सकते हो इन फॉर्मल वे में जैसे आप अपने ये दोस्तों के बीच में जैसे आप कुछ भी परमिशन ले रहे हो क्या मैं यू you नो know, ये ले सकता हूँ ठीक है कैन आई टेक दिस ठीक है तो आप यहां पर इनफॉर्मल में कैन का भी यूज कर सकते हो सो आई होप दोस्तों की ये वीडियो अच्छी लगी होगी यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कॉमेंट करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें केयर थैंक यू सो मच